चलो यार। यार दोस्तों मैं इधर आ। हाँ भाई, तुम लोगों ने यार बड़ी छेड़छाड़ करी हुई हमारे बेबी के साथ और बड़ा परेशान करके रखा हुआ है दोस्तों इन्होंने। मैं बताता हूँ वजह क्या है। आ जाओ भाई छोटू, आ जाओ सुकून से आ जाओ, इधर आओ और इधर बैठो तुम दोनों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार दोस्तों, ये जो रोटी मैं लाया हूँ ना, देख रहे हैं आप पराठे के कुछ टुकड़े, तो यार ये इस बेबी को खिलाने के लिए लाया हूँ। क्योंकि यार दोस्तों, इसके जो माँ बाप है ना, ये दोनों, तो ये इसको सही से ना खिला नहीं पा रहे हैं। जिन जो इनकी भराई होती है ना, कि भराई करना जिसकी वजह से वेट बढ़े, तो बच्चे का ना वेट बढ़ रहा है ना, साइज़ बढ़ रहा है और बच्चा ना बहुत कमज़ोर है। आप खुद देखें इसकी हालत, कल से हम इस टेंशन में आया हूँ मैं बहुत ज़्यादा। ये देखें, इसका ना साइज़ वैसा इंक्रीज़ हुआ है, हुआ तो है माशाल्लाह से, पर जो एक साइज़ बढ़ना चाहिए ना, बड़ा, वो नहीं बढ़ पा रहा था। तो इसका पोटा देखें, अभी भी नॉर्मल है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है पोटे में, खाली लगा पड़ा है। तो यार इसको मैं रोटी वगैरह खिलाऊं, क्योंकि दोस्तों अब हमें इसका ज़िम्मा लेना पड़ गया है, तो मुझे ही खिलाना पड़ रहा है, वरना ये बच्चा ना इनके उस पर रहता तो ये मार देंगे। क्योंकि कल भी सुस्त हो रहा था, कल मैंने एक मरतबा रोटी खिलाई और अब इसको मैं खिला रहा हूँ आपसी रोटी, तो ये पता नहीं क्यों नहीं खिला पा रहे, क्या वजह है, चूँच से हो रहा है इनके, क्या मसला है, पर पता नहीं, खिला रहे हैं पर सही नहीं खिला पा रहे, जो एक पेट भरे बच्चे का। तो यार चलें, सबसे पहले तो मैं इन छोटे से अपने बेबी का पेट भर दें आज। और अब दोस्तों ये हमारी ज़िम्मेदारी है, मुझे इसको खिलाना पड़ेगा डेली, जब तक ये थोड़ा खुद खाने जैसा नहीं होता। चलिए यार दोस्तों, इसको अब खिलाते हैं अपने छोटे बेबी को, जो हमने ज़िम्मेदारी ली है। यार बहुत वेट हल्का हो गया इसका, यकीन माने ये देखें, लेकिन माशाल्लाह बहुत क्यूट हो गया ये। तो जल्दी से इसके यार पहले पेट भरूँगा। दोस्तों इनको हमने दाना पानी करके फारिग कर दिया है छोटू को, और माशाल्लाह से यार कितना प्यारा है। बाकी दोस्तों यार मुझे एक चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है कि इसको ना यार देखें, करीब से अगर दिख रहा हो, ये देखें काफ़ी दाने हो रहे हैं यहाँ पे भी नीचे भी, तो मच्छरों की ऐसे ना बहुत ज़्यादा दाने हो गए इनके, मच्छर काट काट के बुरा हाल कर देते हैं, और अक्सर ये दाने दोस्तों इनकी जान तक ले जाते हैं, तो मुझे बड़ा इसके लिए खौफ आ रहा है। तो यार मेरे को एक ना रात में कॉइल जला के रखनी पड़ेगी यहाँ पे, ताकि ये लोग ना मच्छर कम आए तो फिर इनके काटे कम। खैर बाकी दोस्तों इसको मैंने खिला दिया है, अभी यार ज़िम्मेदारी बन चुकी है हमारी, तो ये मुझे ही बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि ये जल्द इंशाल्लाह दोस्तों हमारा टेम हो जाएगा माशाल्लाह से, देखें तो इसको मैं टेम करने की कोशिश करूँगा अगर ये टेम हो जाए तो। अभी तो ये माशाल्लाह ऐसे हैं छोटे से, तो अगर टेम हो जाएगा दोस्तों तो बहुत अच्छा रहेगा, तो हमारे हाथ पे बैठेगा, घूमेगा फिरेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यार दोस्तों बड़ा ही क्यूट है ये, मैं इसको अंदर रखने जा रहा था पर मैंने बोला थोड़ा हाथ बात पर बिठाऊं, खेलूं इसके साथ। तो यार माशाल्लाह से बड़ा प्यारा है दोस्तों, और ना अभी फ़िलहाल छोटे मियाँ ना खा पी के फुल थोड़े से सन्नाटे में आए हुए हैं। ये देखें, इनको चाहिए सिर्फ अब नींद, घोंसले में जाएंगे, गरमाइश में रहेंगे, फ़ौरन अपने मम्मा बाबा के पास जाना चाह रहा है शायद ये। तो यार इसकी ये देखें, माँ जो है वो देख रही है गौर से बच्चे को, नहीं माँ बोल रही, ये बाप है। तो ये देखें माशाल्लाह से बड़े गौर से देख रहे हैं दोस्तों इनको, ये कि हमारे बच्चे को कहाँ लेके चला गया, देखें आ गया भरम से, इसको ये कि बच्चे को लेके कहाँ गया था, तो बड़ा परेशान बैठा हुआ है वो, दे रहे हो भाई तुम्हारा ही बच्चा है कहीं खाऊंगा थोड़ी मैं। तो यार चलें इसको इनके पास मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो भी परेशान हो रहे हैं और शायद माँ भी इसको खिलाएगी पिलाएगी। हम जितना दोस्तों कोशिश कर लें, पर जो माँ बाप खिलाते ना वो एक अलग ही बात होती है, तो मैंने अपने फ़र्ज पूरा करा है बस कि इसको खिला दूँ, कि अल्लाह ना करे ये भूख की किल्लत से मर जाए, थोड़ा बहुत वो भी पूरा कर देगी इसको। छोटू मियाँ उड़ जाओ, कहाँ सो रहे हो, चलो अंदर जाओ अब। चले यार दोस्तों इसको अब रख देता हूँ मैं, ये लो भाई तुम्हारा बेबी है, ये मेरे मारेंगे भाई, अरे काट रहा है भाई। चलो भाई खिला ले अपने बच्चे को, भाई कुछ नहीं कर रहा, तुम अगर सही से ध्यान रख लो तो मुझे खिलाना पड़े उसको। तो यार दोस्तों ये खिला देंगे, अब इनको खाना वगैरह भी डाल देता हूँ मैं। तो दोस्तों खाना वगैरह बना के
असील को, खंदारी को और कबूतर वगैरह को भी मैंने डाल दिया है। बाकी अब जो है उनको एक एक करके खोल के मैंने डालना है। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ रैबिट्स के जो बेबी देना दोस्तों उनको खोल दूँ यार, ताकि वो यहाँ पे घूमते फिरते रहें और खाते पीते रहें। तो यार पहले ये कर दूँ मैं काम, फिर देर हो जाएगी, और रैबिट्स को भी खोल ही दूँ। हाँ फंसा दिया, आओ भाई फंस गए यार, बड़ा मुश्किल है इन्हें निकालना दोस्तों, और ये आ गए बाहर। चलो यार तुम लोगों को एक एक करके बाहर निकाल दूँ। तो यार ये अब खाने वाले हो गए दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को दिखाया था कैसे खा रहे थे, माशाल्लाह से बहुत सेट हो गए। तो अब इनको हम खुला छोड़ देते हैं, ये यहाँ खाते पीते रहते हैं और खुद ही सेट हो जाते हैं। तो मतलब यानी ये खाने वाले हो गए तो अब ये खुद ही खाएंगे, और दूध वगैरह जो है ना वो जैकी जैनी खुद ही पिला देती है इनको। तो यार दोस्तों मैं जो हूँ वो कुछ रैबिट्स के लिए, बच्चों के लिए गाजर लेकर आया हूँ, क्योंकि यार ये मुझे पता है अभी कुछ भी नहीं खाएंगे इतना कुछ। ये लो भाई तुम्हारे लिए गाजर, पता नहीं खाएं ना खाएं, डाल के चेक करता हूँ, शायद खा लें दोस्तों। नहीं भाई ऐसे तो नहीं खा रहे यार, इस पे रख देता हूँ, ये खुद ही आके ले जाएंगे। ये पड़ी हुई यार, इधर आओ छुटकू यार, बड़े तेज़ हैं, इधर जाओ, ये रही ये रहा दोस्तों। खैर मैंने ढक दिया यार, जिस जिसको भूख लगी खुद जा जाके खाता रहेगा, मेरा काम था इन्हें दिखाना। देखें अब ये खुद ही जाएंगे और खुद ही घूमते रहेंगे और खुद ही खाते रहेंगे। अच्छी बात है यार, खुद खाते रहते हैं, खुद घूमते फिरते रहते हैं तो अच्छी बात है, ऐसे ही बड़े हो जाएंगे। बाकी दोस्तों हमने अपने जो ये मिस्री हैं उनको खोल दिया था यार, ये सुबह से परेशान कर रहा मुझे। अभी भी वीडियो बनाते टाइम दोस्तों इसने इतना चीखना शुरू करा, इतना चीखना शुरू करा कि मुझे पूरे 15 से 20 मिनट रुकना पड़ा वीडियो के लिए, क्योंकि कंटिन्यूसली चीखे यार। और फिर गुस्से में जब मैं उसको थोड़ा बहुत वो करूँ तो और चीखता ही है, और पूरे सेटअप को चिकवाता है फिर ये। तो यार दोस्तों ये देखें माशाल्लाह से जैकी और जैनी दोनों सही से फीड करा रही हैं अब माशाल्लाह से। पहले इन्होंने हमारे से मेहनत करा दी और अब ये आराम से फीड करा देती हैं, कल भी मैंने आपको दिखाया था और देखें आज भी आराम से करा रही हैं। बाकी दोस्तों ये देखें इसका जो एक बेबी है ना वो हमने निकाल दिया है, वो अभी अभी निकाला है मैंने, क्योंकि यार ये ना अपने बड़े बच्चे को फीड पर फीड कराई जा रही है, खिलाए पर खिलाई जा रही है, और जो छोटा बच्चा है ना वो बहुत छोटा साइज़ का रह गया है, तो इस वजह से इसके साथ भी वो उस वाले के साथ जो सीन हो रहा है ना इसी के साथ हो रहा है। उधर तो खैर एक ही बच्चा है, लेकिन यहाँ ये देखें बड़े वाले का माशाल्लाह साइज़ दोस्तों कितना गेन हो गया है, कितना बड़ा हो गया है। बाकी उसने जो है ना, इनमें अक्सर ये चक्कर होता है कि अपने एक बच्चे पर ध्यान ज़्यादा दे देते हैं बाकी बच्चों के नस्बत, तो दो बच्चे तो ये निकालते हैं तो बड़ा बच्चे को ये ज़्यादा खिला पिला के बड़ा हो जाता है, वो छोटा बच्चा कम मिलता है ना उसको, तो इसलिए वो छोटा रह जाता है। क्या दोस्तों ये देखें, ये फीड तो करा रही है इसकी माँ, ये करा रही है, पर कैसे करा रही है ये समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा करा तो रही है फीड वो, पर ये चीज़ है असल में पेट नहीं भर रहा इसका भाई, इसके आप देखो ना, वो देखो पोटा दिख रहा है, वो देखें पेट पूरा खाली लगा पड़ा है, मैंने दबाया ना ऐसा लग रहा है जैसे पेट में कुछ है ही नहीं, वरना पोटा इसका फूला हुआ तो कुछ तो भरे। खैर दोस्तों अब इसको ना हम डेली बेसिस पे मुझे खिलाना तो पड़ेगा, डेली बेसिस पे मुझे इसको कराना पड़ेगा। सुबह भी मैंने अभी रोटी आके खिलाई है इसको यार, और क्या करूँ, इसको ऐसे ही खिलाना पड़ेगा, तो ऐसे ही बड़ा करना पड़ेगा, और अगर ये टेम हो जाए तो और भी अच्छा, मैं इसको टेम करने की कोशिश करूँगा आप, क्योंकि दोस्तों जब बच्चे को हम पाली रहे तो उसको टेम कर लेंगे कि वो हिल भी जाए। तो दोस्तों यार दुआ कीजिएगा कि हमारा जो ये बेबी है ना ये बहुत जल्द सेट हो जाए और बड़ा हो जाए, बस ये ना इसको इतना बड़ा कर दें खुद खाने पीने जैसा तो हो जाए, तो फिर सेट है, जब खाने पीने जैसा हो जाएगा ना फिर हमें इतनी परेशानी नहीं होगी और ना इसकी कोई ऐसी ना बहुत ज़्यादा वो होगी। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल घर में शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए व्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।